अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद विजन। मैंने कहा आपको मैं कल के टूर्नामेंट की अपडेट दे दूं कि कल टूर्नामेंट की क्या हमारी पोजीशन रही और क्या बना, तो उसके हवाले से मैंने कहा आपको आगाह कर दूं। हम क्वालिफाई कर गए अगले राउंड के लिए, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट राउंड में जो है अब नेक्स्ट संडे को दोबारा ऑडी है। तो अपडेट ये है उसके हवाले से कि टूर्नामेंट में टोटल जो है 102 छतों ने हिस्सा लिया हुआ था, और उनमें से जो टॉप की 40 छतें थी वो जानी थी नेक्स्ट राउंड में, तो हमने उसके लिए क्वालिफाई कर लिया। और हमारा जो है लाहौर कप के अंदर पूरे लाहौर में 34 नंबर है, तो हम जो है उसके अंदर आ गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट संडे को जो है दोबारा उड़ेंगे, और हमारे जो घंटे बने हैं 49 घंटे 25 मिनट और 40 सेकंड जो है हमारी कबूतरों की एवरेज आई है 7 कबूतरों के साथ। तो ये कल की रिपोर्ट रही है, तो हम नेक्स्ट राउंड में चले गए हैं, तो इंशाल्लाह अब अगले इतवार को दोबारा उड़ाएंगे कबूतर। और बाकी जो है ये सारा कुछ हार जीत और अच्छे उड़ना बुरा उड़ना ये सारा गेम का हिस्सा है, पर मेरी ऑडियंस जो है उसने मेरा पूरा साथ दिया, आप लोगों ने पूरा साथ दिया। कबूतर जिस तरह के भी उड़े, अच्छे उड़े बुरे उड़े, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये तो खेल का हिस्सा है। किसी दिन अच्छे उड़ जाते हैं, किसी दिन बुरे उड़ जाते हैं, कभी आपके अच्छे कबूतर तैयारी में होते हैं, कभी नहीं होते। और असू का शौक जो है ही ऐसा कि अच्छे कबूतर मेरे पहले ज़ाया हो गए, फिरतों के अंदर ज़ाया हो गए, और कोई बात नहीं चले जाता कबूतर है। और जो मेरे बैसाख में कबूतर मोरे खा के 5, 5:30, 6 बजे और 6:45 बजे तक बैठे हुए हैं, वो भी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, आप लोगों ने देखी है, तब भी बड़ा अप्रिशिएट किया था। तो वो कबूतर मैंने खींचे ही नहीं थे, मैंने खींचे ही नीचे वाले कबूतर, जो ऊपर वाले चंद कबूतर है थे वो कबूतर झड़ गए हैं, फिरतों में आंधी तूफान की नज़र हो गए हैं। अब जो कबूतर बचे हुए हैं उनके साथ मैं शौक कर रहा हूँ, और बड़ा अच्छा शौक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कईयों से अच्छा चल रहा है यार। तो कबूतर बाजी ऐसी है, ऊपर नीचे होती रहती है, पर आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, और आप लोगों की तरफ से बड़ी बेस्ट विशेस भी आती हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जो चंद तनकीद करने वाले हैं वो करते रहते हैं, वो हर जगह पे होती है, तो ये तो गेम का हिस्सा है। जो छत से झंडी मारता है ना, जो मोर लगवाता है बंदा, उसको पता होता है एक्चुअल में कि कबूतरबाजी है क्या चीज़, और कबूतर सारा कुछ कबूतर को दे ले फर्स्ट ले कर चलना चीज़ क्या। तो स्पोर्ट्समैन का काम है मैदान में रहना और मुकाबला करना, बाकी हार जीत कबूतर का जो भी है वो अल्लाह के सुपुर्द, ठीक है। तो ये तो गेम का हिस्सा है, इसकी टेंशन मैं लेता भी नहीं हूँ ना मैंने लेनी है, क्योंकि मैंने तो जो है ना मुकाबले लड़ते रहने हैं। जो पिछले इतवार का स्विच का चैंपियन था वो इस इतवार पहले 40 में नहीं आ सका, तो ये गेम है। तो हम पिछले इतवार कहीं भी नहीं थे, इस बार जो है हम आ गए पहले 40 में, नेक्स्ट राउंड में चलेंगे, बड़े बड़े लोग नहीं भी गए, तो इंशाल्लाह अगले इतवार को देखेंगे कबूतरों का क्या करना है। बाकी कोई बात नहीं, ये गेम का हिस्सा है, बहुत मज़ा आ रहा है खेलने का, और कबूतर परवरी करने का अच्छा मज़ा आ रहा है, अच्छा इन्जॉयमेंट है, अच्छे कबूतर उड़े हैं और अच्छी तैयारी, बस ठीक है अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में बंदे को खुश रहना चाहिए, और मैं इन छोटी मोटी चीज़ों में परेशान भी नहीं होता, बाकी मुझे अपने कबूतरों में पूरा कॉन्फिडेंस है, इंशाल्लाह ताला ये परफॉर्म करेंगे, बेहतर परफॉर्म करेंगे बाकी साथ साथ, ठीक है। जिस तरह बंदा आगे चलता है, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा असू उड़ाए से पहले मैंने सूरज का शौक आज तक ज़िंदगी में नहीं कभी किया था, और पहली दफ़ा किया, तो एक्सपीरियंस है, बंदा बहुत कुछ सीखा मैं इस बार। और असूज का शौक जो है बैसाख से बहुत डिफरेंट शौक है, मैंने जहाँ से देखा है, इसमें अच्छा कबूतर जो है ना बाहर निकालना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, अच्छा कबूतर छत पे रहते ही नहीं है, झड़ जुड़ जाता है, क्योंकि इसमें हर दूसरे दिन आपको आंधी पड़ेगा, तूफान पड़ेगा, कबूतर उसमें ज़ाया होता है। तो अच्छा कबूतर इसमें बाहर नहीं निकालना, 11, 12 बजे, 1 बजे वाला कबूतर बाहर निकालना है, और वही मैंने निकाले थे, उनमें से भी कई झड़ गए कबूतर, मतलब 2-2 साल या 2.5-2 साल के पुराने कबूतर जो है ज़ाया हो गए। तो ये सिलसिला चलता है इस मौसम के अंदर, बाकी बड़ा मज़ा आ रहा है। और आपके साथ मैंने कहा आपके साथ अपडेट शेयर कर दूं, हम क्वालिफाई कर गए हैं और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किए हैं, ये भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि चलो अगले राउंड के लिए तो क्वालिफाई किया, और इंशाल्लाह अब जो है अगला इतवार उड़ेगा, और इंशाल्लाह पूरे भारों के साथ उड़ाएंगे, आपके साथ शेयर भी करूँगा, जो भी होगा हमेशा की तरह अच्छे उड़े बुरे उड़े जो भी उड़े आपके साथ मैं बिल्कुल फेयर होकर शेयर कर देता हूँ। कबूतर जब अच्छा उड़ा होता है मैं तब भी आपके साथ शेयर करता हूँ, जब बुरा उड़ता है मैं तब भी आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि जिस बंदे ने छत से झंडी लगानी है ना उसके ऐसा ही होता है, हर छत पे यही होता है, किसी दिन कबूतर अच्छा उड़ते हैं, किसी दिन नीचे उड़ के बैठते हैं, तो इस चीज़ की तो टेंशन है ही कोई नहीं, ठीक है। बाकी जो है जो भी होगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में मिलते हैं। मैंने कहा आपके साथ मैं अपडेट शेयर कर दूँ, बहुत से दोस्त वेट में थे कि क्या बना क्या नहीं बना, तो मैंने कहा मैं आप दोस्तों को बता दूँ कि कल इंशाल्लाह हम क्वालिफाई कर गए हैं और नेक्स्ट राउंड में चले गए हैं, अब वहाँ पे जाकर दोबारा खेलेंगे, और 10 घंटे का मार्जिन है बस, वो हमने कवर करना है, तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जो है पहुँच ही जाएंगे। तो न्यू वीडियो में मिलता हूँ, तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने अभी तक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो से लेटेस्ट आती हैं चैनल उनके नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।